हिजबुल्ला प्रमुख नसरुल्ला को दिल्ली में श्रद्धांजलि दी गई है, साथ ही कैंडल मार्च भी निकाला गया। एक रिपोर्ट देखिए। हिजबुल्ला प्रमुख नसरुल्ला के मारे जाने के विरोध में दिल्ली के कश्मीरी गेट में मौजूद दरगाह पंजा शरीफ पर शोक सभा और कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। सभा का नेतृत्व ऑल इंडिया शिया काउंसिल के सचिव मौलाना जलाल हैदर नकवी और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के उपाध्यक्ष नकी तकवी ने किया। सभा में मौलाना जलाल हैदर नकवी ने नसरुल्ला की हत्या को अत्यंत दुखद और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि यह हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे समुदाय पर हमला है। उन्होंने नसरुल्ला की भूमिका और योगदान की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी शहादत एक गहरा नुकसान है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। नकी तकवी ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नसरुल्ला जैसे नेताओं की हत्या से आतंक और अन्याय का अंत नहीं होगा। उन्होंने समुदाय से शांति बनाए रखने और एकजुटता का संदेश दिया। सभा में लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने और हिंसा से दूर रहने की अपील की गई। सभा के बाद कैंडल मार्च का आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। Z News.